इच्छा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सर्वता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं बिहार राज्य की मंत्री के रूप में अपनी कर्तव्यों में सुधारपूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या अपमान अनिवार्य या भेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, फिर वही सीएम लाया हूं, बस साथी नया लाया हूं और जो अब तक साथी थे उन्हें विपक्ष में दे आया हूं। ये है नीतीश कुमार, नौवीं बार बिहार में मुख्यमंत्री और उनकी सरकार। और अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर इसीलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि अब वो एनडीए में आ चुके हैं वापस। जिस शख्स ने रचा इंडिया गठबंधन का पूरा चक्रव्यूह, आज वो समर्पित दिख रहा है एनडीए का हिस्सा बनकर। नीतीश कुमार, उनकी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी को अगर आप देखें, 1977 में पहली बार चुनाव लड़े थे वो जनता पार्टी के टिकट पर, 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने वीपी सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी में सरकार में वो मंत्री रहे, आज एनडीए के साथी, वो इंडिया गठबंधन बनाने के पुनः बाद एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, नौवीं बार शपथ ले चुके हैं। उनके पूरे राजनीतिक सफर को अगर आप देखिए तो नौवीं बार वो शपथ ले रहे हैं, लेकिन पलटे कई बार हैं। नौवीं बार अगर वो शपथ ले रहे हैं तो उसकी वजह भी यही। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई संदेश दिया है, कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो बिहार की जनता है उसकी सारी आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर उन्हें पूरा करने में, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने टैग करके बधाई दी है और फिर अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को भी, क्योंकि बिहार के कोटे से जो पिछली बार तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी बनी थी, वो इस बार सम्राट चौधरी, क्योंकि पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के वहां पर, अब शायद एक पद उन्हें छोड़ना पड़े, और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। एक बार हम आपको तमाम मंत्रियों की जाति भी दिखा देंगे क्योंकि जाति की एक अलग जगह है बिहार की पॉलिटिक्स में, और इसीलिए तमाम जातियों को साधा गया है जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण, जो अगड़ी जातियां हैं। सिर्फ तारीख बदल रही है, सीएम वही है, ये देख लीजिए नजारा। 2000, 2005, 2010, 2015 में दो बार, 17, 20, 22, 24, नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसीलिए हमने नाम भी यही दिया, फिर वही सीएम लाया हूं। भले ही मंत्री बदल गए हैं, विपक्ष बदल गया है, लेकिन सीएम वही है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। और ये टीम नीतीश हम आपको दिखा रहे हैं। इस टीम में आपको मुख्यमंत्री के बाद डेप्यूटी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी दिख रहे हैं, जिन्होंने कहा था एक वक्त पर कि ये साफा तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा, लेकिन अब पता नहीं साफा कब उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, क्या कह के उतारेंगे, छोड़िए आगे बढ़िए। विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं विजय सिन्हा, वो आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, प्रेम कुमार मंत्री बने हैं बीजेपी के कोटे से, और इसी के साथ साथ विजय कुमार चौधरी जो कि करीबी बताए जाते हैं नीतीश बाबू के, ये भी मंत्री बने हैं आज जेडीयू के ही कोटे से, विजेंद्र प्रसाद यादव भी, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे, और मंत्री बने हैं निर्दलीय विधायक सुमित सिंह। तो ये है टीम नीतीश जो हमने आपको दिखा दिया। अब आइए आपको सुना देते हैं नीतीश कुमार जो कि इस्तीफा देने के बाद जब बाहर आए तब उन्होंने पहली बार कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आरजेडी अभी तक डिनाइल मोड में थी। उन्होंने इस्तीफे की बात की और कहा हमने उनको छोड़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस देश ने बहुत सारे आया राम गया राम देखे। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे कि हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है,
और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही, इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आए। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, सम्राट चौधरी जब निकल रहे थे उनसे हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा कब उतारूंगा आपको बताऊंगा, शपथ ये ली थी कि नीतीश को हटा के इस्तीफा उतारूंगा। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपी रामविलास गुट के। मृत्युंजय तिवारी जी बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी से। रोहन गुप्ता जी दिख रहे हैं, रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सबका रुख करूंगी, लेकिन राजीव रंजन जी बधाई स्वीकार कीजिए, 9वीं बार फिर से नीतीश कुमार, बस विपक्ष उन्होंने बदल दिया है क्योंकि साथी नया चुन लिया है। ये हुनर, और इस हुनर में जिनको पीएचडी है नीतीश कुमार को, उनको बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद अंजना जी, एक बार फिर बिहार की जनता की ओर से भी आपको बधाई। अब देखिए, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है, आपका अपना नजरिया, आपका विश्लेषण, नजरों पर आपकी, खबरों पर आपकी पैनी नजर होती है, लेकिन ये सच है कि ये गठबंधन कांग्रेस के अहंकार ने तोड़ दिया। पूरे देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, या उत्तर प्रदेश में भी जो असमंजस लंबे समय तक रहा, कहीं ना कहीं इसके लिए इसकी नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। देश को एक सशक्त विकल्प मिले, ये नीतीश कुमार जी जरूर चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यात्राएं की, लोगों को, असहमत लोगों को सहमत किया, मीटिंग्स के दौर शुरू हुए। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की को प्राथमिकता देना मुनासिब नहीं समझा, उनकी मीटिंग्स भी बंद हो गई, तो फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी ने उस समय भी कहा, और एक बात को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, उसके बाद फिर उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के भी चिंता व्यक्त की। लेकिन कहीं ना कहीं एक दंभ और अहंकार से कांग्रेस, जो वर्षों तक इस देश की सियासत पर उनका नियंत्रण रहा है, कांग्रेस की गलती की सजा आपने आरजेडी को दी। अब देखिए, या आपका टारगेट था इंडिया गठबंधन को ही तोड़ देना? एक तो ये देखिए, इंडिया गठबंधन के कई ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, इसकी परिकल्पना, ये पूरा का पूरा चिंतन और इस प्रयोग का श्रेय किसको जाएगा? लेकिन हमारी जो अपेक्षा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ना राजीव जी, आप भी देखिए, टीवी जरूर होगा आपके सामने, नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये बातचीत हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। दोनों की चर्चा हो रही है, चेहरे पे थोड़ी गंभीरता ही दिख रही है। इससे पहले मिले तो काफी दोनों मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, हंस रहे थे, अब चर्चा कर रहे होंगे। हो सकता है आपसी जो रंजिशें रही हो पुरानी, उस पर भी चर्चा हो रही हो, दोनों अपना अपना दुखड़ा गा रहे हो, अपनी अपनी बात कह रहे हो, जिसमें नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हो। रोहित दिख रहे हैं वहां पर, रोहित चाय नाश्ता का टाइम चल रहा है वहां पर, जैसे ही जेपी नड्डा की 1-to-1 मुलाकात यहां पर चल रही है। आपको तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार आ गए हैं, उसके बाद अब नए सिरे से यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव अभी अब 2 महीने के बाद है, और ऐसे में आप देखिए ये तस्वीरें, राजभवन में हाईटी के बाद नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की यहां पर 1-to-1 मुलाकात हो रही है। दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, हो संभवतः किसी आगे की योजना को लेकर बातचीत हो रही हो, किस तरीके से अब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू साथ आ चुका है तो किस तरीके से अब आगे इस गठबंधन को ले जाना है, खासकर अवसर चुनाव बिल्कुल अवसर पर है तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, उन सब चीज़ों पर हो सकता है। और ये भी बात है कि
चार तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेतिया आने वाले हैं, जहां पर उनकी चुनावी सभा होगी, तो उस चुनावी सभा में भी नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, इस बात की पुष्टि हमें की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं, बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए बहुत कुछ ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रहा है, कैसे बीजेपी और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आ गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए दोनों नेताओं का यहाँ पर एक तरीके से कहें चाय के ऊपर महामंथन चल रहा है, और बहुत महीनों के बाद इस तरीके की तस्वीर सामने देखने को मिली है, और संभवतः पहली बार है कि जब पब्लिक में इस तरीके से वन टू वन नीतीश कुमार और बीजेपी का कोई शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस तरीके से बातचीत कर रहा हो, कुछ मंथन कर रहा हो। ये तस्वीरें बेहद ख़ास हैं और ये दर्शाती हैं कि कोशिश अब ये हो रही है कि जेडीयू जब एक बार फिर बीजेपी के साथ आ चुकी है गठबंधन में, तो अब इस गठबंधन को मजबूती से चलाया जाए ताकि इसमें और आगे कोई रोड़ा नहीं आए, कोई मुश्किल ना आए, इसको लेकर भी यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच बड़ी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। रोहित से हम लोग ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो कैमरे में वही तस्वीर दिखाते रहे, अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन ये दोस्ती का फसाना एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी पटना से हैं, और महागठबंधन के साथ जब चले गए थे 2020 8 अगस्त को नीतीश कुमार, तब ये माना जा रहा था कि आखिर बीजेपी सोच क्या रही है, क्योंकि उनकी ये शिकायत थी नीतीश कुमार की कि हम मुझसे कोई बात नहीं करता था, शीर्ष नेतृत्व में मुझे कोई सुनता नहीं था। और अब जब वापसी हो रही है तो आप मंथन करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अब शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, वही घड़ी फिर से आ गई है, तुम आदतन वादे करते गए, हम आदतन एतमाद करते फिर गए, से ये है आप लोगों का फसाना। फिर से वो अपने गठबंधन में लौट आए। ये जनता की चुनी हुई सरकार थी और जनता ने मैंडेट दिया था, बीच में वो जरूर आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन ये अपने नेचुरल अलायंस के साथ, एलआई के साथ वो आए हैं, स्वागत करते हैं। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, क्योंकि बिहार की आवाम ने तो इस गठबंधन को चुना था, और अब सिंगल इंजन की सरकार थी, उसमें एक इंजन की जगह लांटेन लगा था, अब उसकी जगह डबल इंजन लग गया है। तेजी से बिहार में तरक्की होगा, जो रफ्तार तरक्की की थी उद्योग में, रोजगार में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो तेजी से काम होगा। बहुत ज्यादा उत्साह था अंजना जी, आपने तो देखा ही होगा, आप आज तक वहां पूरी तरह कवर कर रहा था कि लोगों के बीच में उत्साह था। बिहार की आवाम चाहती थी कि मोदी जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इकट्ठी हो जाए, वो हो गई है। अब ये लंबे काल तक हम इकट्ठे रहेंगे, अब कोई नजर नहीं लगा पाएगा, बीच में नजर लग गई थी तो वो 18 महीने लगे नजर उतारने में, 17 महीने, और 17 महीने के बाद फिर से इकट्ठे एक गजब का नूर है आपके चेहरे पर, सत्ता का नूर ही अलग होता है, ये ललाट पर चमक देखिए, फरेब देने वाले पर फिर से एतबार किया और उस एतबार के जरिए फिर से सत्ता मिल गई। नहीं, ये तो गजब खुशी, खुशी तो है ही सर। हाँ, ये नूर तो हर बिहारी के चेहरे पर है। अंजना ओम कश्यप भी बिहार की है, वो भी चाहेंगी कि बिहार में डबल इंजन की और डबल स्पीड की सरकार चले, तो माशाल्लाह आपके चेहरे पे भी नूर है इस बात का, बिहारी होने के नाते। ऐसे तो आप इंडिपेंडेंट हैं एंकर के नाते, और लेकिन बिहारिज्म जो आपके अंदर है उस नाते, 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं, अब टारगेट बदल गया है, आपने देखा ये साफा बांधे हुए साहब जो अब तक गरजते थे नीतीश कुमार पे, अब उनका टारगेट बदल गया है, आरजेडी वाले उनके टारगेट पर आ गए हैं। शाहनवाज जी अपनी बात पूरी कीजिए, सवाल तो ये है ना कि जो बार बार बेवफाई करता है उससे वफा की उम्मीद लगाए आप लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि वो फिर पलटेंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि 24 में हम फायदा उठा लें इंडिया गठबंधन की, हमने रीढ़ तोड़ कह दूं कि मैं थोड़ा शेर को बदल के कह देता हूं, हम बावफा थे
इसलिए थोड़ी देर नजरों से गिर गए। शायद उनको थोड़े देर के लिए तलाश किसी बेवफा की थी। हम तो पहले से वफा बेवफा नहीं थे, हम तो वफादार थे। संघर्ष बीच में जरूर कुछ लोग ऐसे आ गए जो बेवफा उनसे रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का तो वजूद ही है। वो आरजेडी और लालू जी के खिलाफ लड़कर ही समता पार्टी बनाई थी। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके ही पहली बार लोकसभा में और केंद्र में और राज्य में सरकार बनाई। तो नेचुरल अलायंस जो है वो तो हमारे साथ है। उनके साथ तो थोड़े वक्त के लिए गए थे। कई बार आप सफर करते हैं तो रास्ते में आपकी बगल की सीट पर थोड़ी देर कोई बैठ जाता है, लेकिन ओरिजिनल साथी जब आकर बैठ जाए तो फिर पुरानों को भुला दिया जाता है। तो फिर से नीतीश कुमार जी आ गए हैं, हम पुरानी बातों को भूल गए हैं। 17 महीने में कुछ कटु बातें हुई होंगी, कुछ बातें हमने कही होंगी, कुछ उन्होंने सुनी होगी, लेकिन अब कहा सुनी कुछ नहीं है। अब एक लक्ष्य है, 40 की 40 लोकसभा सीट जीतनी है और 2025 में फिर से सरकार वापस लानी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार मृत्युंजय जी का चेहरा दिखाइए। तिवारी जी, इतना दुखी क्या होना है? गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। आपको पता नहीं था क्या, जब 2020 में 9 अगस्त को शपथ ले रहे थे तो पता नहीं था कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? अब छोड़िए इन सब बातों में क्या रखा है, थोड़ा सा सहमिए, थोड़ा सा सोच लीजिए क्या बोलना। मैं लौट रही हूँ सर, बने रहिए। रोहन जी के पास भी चलेंगे कि क्या सबसे बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन का है, लेकिन उससे पहले रोहित बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए सम्राट जी से। एकदम विकास विकास, चौधरी जिंदाबाद, और पुराने गठबंधन सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करना, काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है, व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे, पगड़ी का बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, जल्द उतारूंगा। मंत्री बने हैं प्रियंका जी, बहुत सालों का लगता है गैप था, अब ठीक हो गया सब कुछ? सब पार्टी की कृपा, पार्टी का आदेश का पालन किया सर। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था, हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना? अब तो बिल्कुल माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन कोई गांठ नहीं आएगी ना? देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी का वाई में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। लोकसभा में क्या होगा, कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी आने से फायदा होगा? बिल्कुल, 40 से 40। पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार में। आज तक पर विजय कुमार सिंह जी डिप्टी सीएम बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पद, जिम्मेदारी बड़ी होगी अब। देखिए बिहार की जनता के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व विश्वास जो हम पर व्यक्त किए हैं, उस विश्वास पर खरा उतरना, बिहार के अंदर पूरी तरह से सुशासन स्थापित करना और बिहार के विकास की गति को जनता के हितों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाने का हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। गिले शिकवे सब दूर हो गए हैं, जो भी पुराने कुछ थे? देखिए बात, देखिए उस विषय पर अलग से कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और जब से जंगल राज वाले लोग आए थे, वातावरण को कहीं कहीं प्रदूषित किए थे, वो माहौल जिस तरह से बना था, पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति बन रही थी, उस माहौल को, उस महामारी को बीमारी बना करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। ये मजबूत हुआ है, लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी अब आप लोगों को? देखिए हम लोग तो 39 जीते हुए हैं, 40 के लिए प्रयासरत रहे हैं। नीतीश जी कहने से मजबूती आई है एनडीए में? पूरी तरह से बिहार की जनताओं की भावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया। शुक्रिया। विजय सिन्हा जी हैं और इनको भूमिहार समुदाय से आते हैं, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। इससे पहले जब पिछली बार साथ में थे तो स्पीकर थे ये, और आपको बता दें कि हमारे साथ मृत्युंजय जी बने हुए हैं। जो मृत्युंजय जी, अब आपकी बारी है, कुछ बोलिए। इतना भी दुखी मत दिखिए, अब सत्ता है, आनी जानी चीज है, क्या कीजिएगा? आप लोगों को तो पता ही है, जानते हैं नीतीश बाबू को। अरे अंजना, अंजना, अंजना जी, आज हम दुखी नहीं हैं। ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो आगे होगा इससे भी अच्छा होगा।
खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, खेल का अंत तेजस्वी यादव जी हम लोग करेंगे। एक बात आप जान लीजिए, हम आज बधाई देते हैं, ज्यादा उनके खुशी में खलल नहीं डालेंगे। हम शाहनवाज जी का, राजीव रंजन जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, आपने सरकार बना ली, अच्छा किया। हम लोग जानते हैं कि अब आदर नीतीश कुमार जी के पास राजनीतिक पूंजी बची नहीं है, और 15 महीने 17 महीने के शासन काल में जब तेजस्वी यादव जी शासन में आए तो जो काम किया है वो काम दिख रहा है, काम बोल रहा है, और विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 70 दिनों में 2,20,000 नियुक्ति, नौजवानों को नौकरी दी गई। ये 2020 में 10,00,000 नौकरी का वादा था, और 4,00,000 नियोजित शिक्षकों को सरकारी राजकर्मी का दर्जा, हर विभाग में बहाली, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो जो विभाग राजद कोटे में थे उस विभाग का आप देख लीजिए लेखा जोखा और काम। हम मानते हैं कि सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन विचार और काम वो न मरता है। जो नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर ने देखा है, बिहार की जनता ने, तेजस्वी यादव जी ने जो काम कर दिखाया है, ना कोई भुला सकता है, ना कोई मिटा सकता है। हम जनता के विश्वास पर फिर से खड़े उतरेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और इस एनडीए सरकार का खात्मा कर रहेंगे। ठीक है, शाहनवाज जी को दिखाई, शाहनवाज जी वो कह रहे हैं कि खेल अब शुरू हुआ है, और रोहन जी को भी दिखा दीजिएगा शाहनवाज जी के साथ। हाँ, वो कह रहे हैं खेल तो अब शुरू हुआ है, तेजस्वी यादव ही खत्म करेंगे। देखिए पंडित मृत्युंजय तिवारी जी ने लगा जैसे गीता सार सुना रहे हैं। आपने पहले कहा क्यों चिंता करते हो, तो पहली लाइन तो आपने कहा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो पंडित जी ने तो सच में गीता सार सुनाया है। हाँ, लेकिन चिंता की लकीरें जो दिख रही हैं वो ये सही है कि जब दो मजबूत दल इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यर्थ चिंता नहीं होती है, वो सही में चिंता हो जाती है। और तिवारी जी को चिंता तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार तिवारी जी की पार्टी 0 पे आउट हो गई थी 40 लोकसभा में। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जनाधार वाली पार्टी कही जाती है, जिसके पास माई समीकरण कहा जाता था, उसको 0 सीट आई थी। तो क्या तिवारी जी वो 0 वाला रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या वो टूटेगा? क्योंकि हम लोग तो अब मिशन 40 पे काम कर रहे हैं। पिछली बार आपके सहयोगी को एक सीट किशनगंज में मिल गई थी, इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और ये सही है कि आपने एक बात कही तिवारी जी कि सारी नौकरी तेजस्वी जी के वजह से मिली, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, तो उनको कुछ क्रेडिट देंगे या सारा क्रेडिट एक विभाग का आप ही ले लेंगे? आखिर जो काम हम लोगों ने किया था उसका क्रेडिट अगर हमने कुछ उद्योग में काम किया, नारियल आपने फोड़ा, तो क्रेडिट तो आप ले लेंगे, लेकिन शुरुआत तो बीजेपी के लोगों ने जो कागज बनाया था नौकरी का, उस पर आपने 17 महीने में सब काम कर लिया। कैसे आप लोग जीत का दावा भर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 67-68%। अंजना जी, हालांकि आप एक बार जीते हैं। अंजना जी, जी जी, बीजेपी, जी जी, बीजेपी एक बार किशनगंज जीत चुकी है 99 में, और इस बार तो पिछली बार भी कम वोटों से हम लोग रह गए थे। इस बार मिशन 40 है, गुजरात ने सारी सीटें दी, दिल्ली ने सारी सीटें दी, राजस्थान ने सारी सीटें दी। हम बिहारियों को लगता था काश हम भी मोदी जी को 40 की 40 देते, तो इस बार, पिछली बार नहीं दे पाए थे, इस बार 40 की 40 सीट की माला उनके गले में डालेंगे, इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। और ठीक है भाई मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी आरजेडी को तो चुनाव हारने के बाद भी 17 महीने की लिए काम मिल गया था, क्योंकि आप लोग तो जीते नहीं थे। रोहन जी, इसके बाद आपके पास भी आ रही हूँ। नीतीश कुमार, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही है शपथ लेने के बाद, मुझे लगता है मीडिया से बात करेंगे, और दिलचस्प है उनके साथ अशोक चौधरी और इधर ललन सिंह, संजय झा, तमाम उनके जो जेडीयू के साथी हैं वो सब दिख रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं नीतीश कुमार। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए, और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया।
और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, आज तो आप सब जानते ही हैं तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है, तो अभी दो चीज हम बता देना चाहते हैं का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ये दोनों मैंने, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद दो मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। अभी इस सब के बाद में बताएंगे। आप तो तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहे और सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक फुट करके जा रहे थे कि तेजी से, तो सब कुछ कर नहीं रहा था, कार्य हो ही गया ना, तो वही लोग जाने चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल तेजस्वी बात करके अब जा रहे हैं। उन्होंने कहा पहले भी एनडीए में थे, बीच में कहीं चले गए थे, और जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार करेगा। जब अक्सर वो किसी के खिलाफ बोलते हैं तो नाम लेने से परहेज करते हैं, ये स्टाइल है उनका। उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, वो तो क्या बोले हैं सबको पता ही है, नाम नहीं ले रहे हैं आज मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी का या महागठबंधन का, कह रहे हैं कि बीच में कहीं चले गए थे। लेकिन रोहन जी, शाहनवाज जी और रोहन जी को भी दिखाइए। देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई थी ना गुप्ता जी, जो आप लोगों ने छेड़ी थी कि नरेंद्र मोदी को हैट्रिक नहीं बनाने देना है। नीतीश कुमार ने उसमें सबसे पहले पहल की थी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और आज अगर वो कहते हैं कि मेरा मोह भंग हो गया, जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं, आज सुबह जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहा था वो गलत था, इसलिए वो छोड़े हैं। तो इसकी तो जवाबदेही आप लोगों की सबकी है, क्योंकि कांग्रेस पर ही सारे, केसी त्यागी भी सामने आए, सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है जेडीयू। अंजनानी, जब अपनी लालच अपने उद्देश्य से बड़ी हो जाए तो किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना पड़ता ही है। और ये तो नीतीश जी के शब्द है ना कि मर जाना पसंद है पर उनके साथ जाना पसंद नहीं है, हमारे शब्द नहीं, ये नीतीश जी के शब्द हैं। जब नीतीश जी ने तय किया कि नहीं मुझे भाजपा के खिलाफ लड़ना है, तब कोई कितनी भी मुसीबत आए वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और यही पूरे देश के सामने आज उन्होंने दिखाया कि उनकी बात पे कितना देश या बिहार की जनता भरोसा कर सकती है। दूसरी बात अंजना जी, आज अभी शाहनवाज जी ने कहा 40 की 40 सीटें, अरे ये 40 वाली सीट तो नीतीश जी आने के पहले भाजपा के हर प्रवक्ता कहते थे कि हमको तो 40 सीटें आने वाली है। अगर आपको अपने पे इतना भरोसा था तो फिर नीतीश जी की क्या जरूरत थी? अब नीतीश जी का आने के बाद 40 का 42 आप तो कर सकते हैं, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, 40 की 42 सीटें भी कर सकते हैं। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि जो 40 नीतीश जी के आने से पहले थी, अब 40 से ऊपर क्या जाएगा? और अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा था, अपनी गारंटीज पे इतना भरोसा था, तो नीतीश जी को लेने की क्या जरूरत थी? और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज अंजना जी, देखिए देश की जनता और बिहार की जनता देखती है, जो इंडिया गठबंधन बना था एक कॉज के लिए, एक उद्देश्य के लिए, मुद्दों के लिए, बेरोजगारी हो, महंगाई, जो जो बेसिक मुद्दे उसके लिए सब इकट्ठा हुए थे। और नीतीश जी ने उसमें एक अहम भूमिका बजाने का अपना एक उन्होंने प्रयास भी किया था और एक विश्वास दिया था, सब मिलकर कर रहे थे।
अब उनकी लालच अगर इस उद्देश्य से बड़ी हो गई, उसमें किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ना गलत चीज है। और ये चीज अच्छी हो गई जब लड़ाई शुरू होने से पहले ही ये मालूम चल गया कि कौन साथ में कौन खिलाफ। लालच है, क्या तो लालच समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड रोहन जी, लालच क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। लालच, एक सेकंड शाहनवाज जी, लालच क्या, वो तो पहले भी सीएम थे फिर अभी भी सीएम है। और आप वादा खिलाफी पर, एक सेकंड सर, अपने बयान से पलटने पर आप किस मुंह से बोलेंगे? आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या क्या कहा था, अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए क्या क्या कहा था, पर साथ आए ना आप लोग इंडिया गठबंधन में, वो बच्चों की कसमें, सबका तो वही हाल है। एक थी कांग्रेस। अंजना जी देखिए, पहली बात, जब अलायंस फॉर्म होता है, मैं हमेशा ये डिबेट में कहता हूँ कि जब मैक्रो इश्यू होता है, कई चीजें ऐसे, आज भी हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम सहमत नहीं है, कई मुद्दे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश को बचाने की बात या लोकतंत्र की रक्षा की बात है वो सबका एक कॉमन एजेंडा, उसमें हम साथ में आए और इसलिए नीतीश जी के साथ में जुड़े। पर साथ में बैठना कि जिन लोगों को गालियां दी जा रही थी भाजपा के, जो अमित शाह जी ये कहते थे कि इनके दरवाजे परमानेंट बंद हो चुके हैं, अरे दरवाजा कौन से मटेरियल का बंद? एक बार नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार, विजय कुमार सिन्हा जी का, ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे रहे, ये दोनों, मेरे, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद दो मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहे। आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर पर, 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी, अभी इस सब के बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी, बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक फुट करके चार दिन थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना, कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था, मिल गई, जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। चलिए शाहनवाज जी, रोहन जी की बातों का जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे ही 40 जीत रहे थे, तो अब नीतीश बाबू की क्यों जरूरत पड़ गई? पहली बात तो ये है कि रोहन जी इंडिया एलायंस बोल रहे हैं, पहले तो इंडी था, उसका आई भी आज निकल गया, अब तो एलायंस के जो मेन बेस था वो पूरी तरह ढह गया है, अब वो एलायंस है नहीं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग बयान देते हैं, तो अभी तो भगवत मान ने कहा एक थी कांग्रेस, आपके बारे में अरविंद केजरीवाल की भी राय क्या है वो आपको पता है। दूसरी बात ये है कि जो 40 सीट हम कह रहे हैं, एक सीट थी आरजेडी आपके साथ लड़ी, बड़ी पार्टी थी, जीरो सीट आई, आपको एक सीट मिल गई थी किशनगंज में, इस बार किशनगंज भी बीजेपी जीत जाएगी और कांग्रेस मुक्त बिहार हो जाएगा, यहाँ भी एक सीट आपको मिली थी बस। तीसरी बात ये है कि आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार जी आपके साथ आए, वो चले गए, तो आज तो उनके बारे में अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन आप ये मान लें कि अब आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना, आप तो अब 400-500 सीट लड़िए, आपको क्या दिक्कत है, सब सीट पर लड़िए, 542 है, कोई आपके साथ आने वाला नहीं, जब नीतीश कुमार जी छोड़ गए, ममता जी छोड़ गए, आपकी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, न्याय मिल गया आपको बंगाल के अंदर भी और न्याय मिल गया बिहार के भी अंदर, तो दो न्याय तो अभी मिल गया आपको, तो क्या कह रहे हैं, 42 होगी क्या? एक सेकंड, जहां थे वहीं आ गए, नीतीश कुमार कह रहे हैं अभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, 40 हो जाएगी, अब इधर उधर जाने, शाहनवाज जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, नीतीश कुमार ने कहा है उसमें बड़ी बात यह है, वो कह रहे हैं अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जहां थे वहीं पर वापस आ गए, और उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हमेशा इसी तरह का स्पिन देते हैं कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी के ही साथ है, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़े थे और पुनः उनके साथ ही सरकार चला रहे हैं। आपने बड़ी आसानी से रोहन जी, आपने
लालची कह दिया नीतीश कुमार को, लेकिन ममता बनर्जी फिर क्या है जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ अब हमारा यहाँ समझौता नहीं होगा? भगवंत मान क्या है जो कह रहे हैं कि पंजाब में 1300 सीटों पर हम अलग लड़ेंगे? ये सब लालची हैं, बस एक उद्धार करने वाले आप ही लोग हैं। देखिए अंजना जी, जब हम साथ में इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ तब से मैं ये कह रहा हूँ, हर पार्टी की अपनी इच्छा होगी, अपेक्षा होगी। अगर ममता जी टीएमसी बड़ी पार्टी है बंगाल में, उनका अधिकार है, वो अपनी पार्टी की ज्यादा सीट के लिए लड़ेंगी। भगवंत मान जी का अधिकार है, पंजाब में अपनी बात करेंगे। पर डिस्कशन एक अलग चीज होता है, जब आपका कॉमन एजेंडा होता है कि हमको मिलकर लड़ना है तो सब चीजों का हल निकलता है। आपको अपने राइट रखने का अधिकार है, पर जब लड़ने की बात आती है, जब रण में से भागने की बात आती है, तब नीतीश जी का ये एक कहावत है कि गिद्धर की जब मौत आती है शहर की तरफ भागता है। यही कहावत मैं जेडीयू के लिए कहूंगा कि जब जेडीयू की मौत आई है और इसीलिए बीजेपी की तरफ भाग रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो जो भी लोग रहे हैं वो भस्मासुर हो गए। अरे नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर के लिए आप इस तरह के शब्दों का, जेडीयू के पास मौका था, आप अपनी खैर मनाइए जनाब। आज हमला मत कीजिए रोहन जी, आज हमला मत कीजिए नीतीश बाबू को। नीतीश कुमार जी के लिए अगर नीतीश बाबू पर हमला कीजिएगा तो चोट का निशान आपको, एक सेकंड, चोट का निशान शाहनवाज जी पे दिखेगा। नहीं नहीं शाहनवाज जी, आप ही की बात कर रहे हैं। आज हमला नीतीश बाबू पर होगा, आवाज नीचे कीजिए सर। एक सेकंड, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, एक एक करके प्लीज। मैं तय करूंगी कौन बोलेगा, एक एक करके बोलिए प्लीज, क्योंकि व्यूअर्स को भी तकलीफ होती है इस बात से। आज मत बोलिए रोहन जी नीतीश बाबू के खिलाफ कुछ भी, चोट का निशान आपको शाहनवाज जी पर दिखेगा। अरे शाहनवाज जी छोड़िए, इतना सीरियस लड़ झगड़ के क्या कीजिएगा आप? तो आप लोग सीएम साहब के साथ बैठे दिख ही रहे हैं, आपके अध्यक्ष, ये बताइए ना कि दोनों में बातचीत क्या हो रही होगी? मैं एक एक करके सबके पास आती हूँ। नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी? सुखद मुस्कान भी दिखती है, बीच बीच में थोड़ा चिंता भी दिखाई देती है, क्या बातचीत हो रही होगी दोनों की? नहीं, बात तो यही था कि आप हमसे जुदा थे, अब फिर हम इकट्ठे हो गए हैं, कितना अच्छा मौसम है, माहौल साजगार हो गया है, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, रिकॉर्ड सीट देना है पूरे देश में, और डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को तरक्की के रास्ते पर उसी स्पीड और उसी स्केल से ले जाना है जिस तरह बिहार में पहले इंडस्ट्री लग रही थी, वैसे इंडस्ट्री लगाना है। पहले 17 इथेनॉल प्लांट लग गए, अब और ज्यादा लगा देना है, और ज्यादा रोजगार दे देना है, और मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा तो बिहारी को बिहार छोड़कर कहीं और काम करना नहीं पड़ेगा, यही सब बात हो रही होगी। और ये भी कहा जा रहा होगा, अच्छा हुआ आप कांग्रेस से मुक्त हो गए, उनके साथ थे, उन्होंने क्या सिला दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने, खूब लिट्टी चोखा खा के वो लोग चले गए, बिहार का खाजा खा के चले गए, और कुछ भी नहीं, नीतीश कुमार जी को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। हम लोग इतना अंजना जी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर हैं, उनको पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती रही है, और अब सरकार में भी हम पूरा सम्मान देंगे, और 14 करोड़ बिहारियों के हक में काम करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे, बिहार के लोगों की चिंता करेंगे, बिहार के नौजवानों की उम्मीद पर 100% खड़े उतरेंगे। यही आज का अजम है, यही इरादा है, यही प्रण है, और इसी प्रण के साथ हम लोग इकट्ठे आज हुए हैं, यही बात हो रही होगी। कितनी साज ये तस्वीर, कितनी, अगर आप से तस्वीर को देखें कुछ न बोले तो तस्वीर बोलती है, ये सच बोलता है, ये साफ दिखता है कि बिहार के लोग जिन्होंने एक सरकार चुनी थी, चुनकर नीतीश कुमार जी और बीजेपी को सरकार दी थी, आज फिर आ गई है, तो सब पहले अलग हुए तो दुख हुआ था बिहार के लोगों को, लेकिन अब तो बिहार की जनता खुश है। इतने फोन आ रहे हैं जना जी, इतनी बधाई मिल रही है कि मोबाइल की बैटरी उड़ जा रही है, इतने लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए, इतना उत्साह है पूरे बिहार के गांव में, लोगों ने कहा जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो लोग खुश थे, अब बिहार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, बिहार के अंदर भी विकास की, डेवलपमेंट की, तरक्की की जो है प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है। अब बिहार की सरकार पूरी ताकत से काम करेगी और बिहार की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी, इसी के लिए यही नड्डा जी और नीतीश जी के अंदर बातचीत हो रही है। मैं दोनों को जानता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैंने पूरा पढ़कर बता दिया है, बाद में भी आप पता करेंगी तो यही बात हो रही होगी। ठीक है, अब बारी है इनकी, धीरेन्द्र कुमार जी की। धीरेन्द्र कुमार जी नहीं बोल पाए अभी तक। धीरेन्द्र जी, फिर वही सीएम लाया हूँ, खुश है ना आप लोग? आपका मुंह का लटका हुआ लग रहा है, क्या बात हो रही होगी दोनों की? इनको दिखा दीजिए अब तस्वीर। मुंह नहीं लटका अंजना जी, हम तो आप ही के न्यूज से देख रहे हैं, बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बिहार के
हित की बात हो रही है, बिहार में नई सरकार बनी है, तो पहले तो सभी मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्रीगण के परिषद के सभी मंत्रीगण को बधाई देता हूं, साथ में बिहार वासियों को बधाई देता हूं कि एक अच्छी सरकार की शुरुआत हुई है, इसकी शुभकामना देता हूं। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वह भी बिहार के हित में अच्छा ही होगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आरजेडी के मेरे मित्र हैं, कह रहे थे कि खेल होगा। आरजेडी के लोगों को कम से कम इन सब चीजों में थोड़ा गंभीर होना चाहिए। अंजना जी, ये रोज खेल और जेल, इसके अलावा राजनीति कोई खेल और जेल की जगह थोड़ी है, ये तो सेवा करने की जगह है, बिहार में काम करने की जगह है, इस पर सोचना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि इन दोनों ने काम अच्छा से नहीं किया, बनाव अच्छा नहीं रखा। बिहार पिछले 18 महीने से बिहार के लोग और बिहारी सफर कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने पता नहीं आपस में मनमुटाव रहा, आज ये लोग अलग हुए हैं। तो हम लोगों का नैतिक जिम्मेवारी था कि बिहार के लोगों को भी भारत में बढ़ रहे सभी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास के काम में भी बिहार को आगे ले आए। इसलिए हम लोग भी आज चाहते हैं और खुश भी हैं कि बिहार भी अब उस गति में डबल इंजन के साथ में चल चले, इसीलिए हम लोग भी आज खुश हैं और बिहार के लोग भी खुश हैं। ठीक है, अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिससे साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक की ही सीमित कर दिया। मृत्युंजय जी, जब चले गए तब आप सबके मुंह से पीएम पीएम निकल रहा है, और जब थे साथ में तो राजीव जी भी बोलेंगे कोई दूसरा उनका साथ देने को तैयार नहीं था। लालू जी ने भी कुछ नहीं बोला जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया कन्वीनर के लिए। और मृत्युंजय जी, आपकी तरफ से भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है दोनों में क्या बात हो रही है? अंजना जी, देखिए बात क्या हो रही होगी ये तो हमारे शहनवाज भाई ने बता दिया, लेकिन वो कह रहे थे जीरो पर आउट, उनको पता होना चाहिए कभी सचिन तेंदुलकर जीरो पर आउट होता है तो दूसरे दिन डबल सेंचुरी भी बनाता है, और जीरो के आगे अगर चार लगा दिया जाता है तो 40 भी हो जाता है, बिना जीरो का कुछ नहीं होता, तो वो जीरो ही आगे चार लगेगा और 40 होगा। अभी तो जितना हंसी है, जितना मुलाकात है, जितना बॉडी लैंग्वेज है सब देख लीजिए, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने जो काम किया है हमारी सरकार ने, अंजना जी एक याद रखिए, आज नौजवान दुखी है, वो कह रहे हैं 70 दिनों में नियुक्ति पत्र विश्व में कहीं भी, 17 साल से सरकार में भी हैं शहनवाज जी, बीजेपी सरकार में है, कितने लोगों को नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा था, ये शुरुआत किसने किया, ये देन है तेजस्वी यादव जी का, ये रोजगार मॉडल किसका था, 10 लाख नौकरी देंगे, उसे कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है, चाहे जो कर ले, एक बार बारी राजीव जी की है, कितने दिनों तक चलेगी इसका भी हम, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रशांत किशोर अभी से कह रहे हैं राजीव जी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव तक तो साथ रहेंगे, विधानसभा के पहले फिर से पलट जाएंगे। इस बीच आपको बता दें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है और कहा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं और डबल इंजन की सरकार बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, राज्य में सेवा सुशासन विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए जाएंगे। अब राजीव रंजन जी, सब कह रहे हैं कि अगले विधानसभा के पहले फिर पलट जाएंगे नीतीश जी, और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस पर आपकी कमेंट्री। देखिए प्रशांत किशोर जी तो खुद एक राजनीतिक दल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, निसंदेह उनका पूरा व्यक्तित्व तो नीतीश कुमार जी के साथ उनके सानिध्य में सब कुछ जो उनका आज दिखता है, नहीं तो एक पॉल एंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उनकी जो भी भूमिका थी राजनीति में, तो नीतीश कुमार जी ने उनको लाने का काम किया। कुछ जो अभी जो कुछ बातें हुई मैं उस पर छोटी छोटी प्रतिक्रिया दूंगा। रोहन गुप्ता जी को मैं एक बात जरूर कहूंगा, बिखराव कैसे शुरू हुआ, अब अखिलेश वखिलेश कहने वाले भी इनके दल के नेता थे, इन्होंने गीदड़ की मौत और ये जो जो बातें इन्होंने कही वो दरअसल इनकी पार्टी की शैली बनती जा रही है। उसके बाद ममता जी को अधीर रंजन चौधरी जी लगातार किस कदर कोस रहे थे वो भी साफ है, और जिस तरह से संवादहीनता बाकी घटक दलों के साथ इनकी रही है, उद्धव ठाकरे के सामना में भी संजय राउत ने जो कुछ लिखा उस दौर में वो भी सबके सामने है,
ये पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की टूट या इंडिया गठबंधन जो समाप्ति की ओर बढ़ा है, इसके लिए कांग्रेस जवाबदेह है। अब मैं मृत्युंजय जी को एक बात कहूंगा, ये नीतीश कुमार जी के जो इस्पाती इरादे थे ना, फौलादी इरादे थे, और जो काम करने का जो उनका जज्बा है, गठबंधन की जिस सरकार में भी वो रहे वहां उन्होंने काम किया है, कभी परिवार को तरजीह नहीं दिया, किसी भी सूरत में खुद पर कोई दाग नहीं लगने दिया, और लगातार जो उनकी जिम्मेदारियां हैं जनता के बीच जाते रहे, काम करते रहे। इसीलिए वो आपके लिए आपका मॉडल रह जाता, आपके वादे मॉडल रह जाके, तो नहीं 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 अभी बीच में मैंने आपको नहीं टोका था, जब आप वादा करते हैं तो सरकार पे तो नीतीश कुमार जी की वजह से आप आए ना, नियुक्ति पत्र नहीं तो आप अपोजिशन में रहते, आप बात करते रहते हैं, उनको जमीन पर उतारने का काम किसने किया? नीतीश कुमार जी का जो संघर्ष किया, उनके जो इरादे थे, संघर्ष फिर करेंगे ना, वो उनका जज्बा था। अगर 5 लाख नौकरियां, 10 लाख इरादा नीतीश कुमार जी ने कहा था 2020 में, प्रवक्ताओं का भी काम कम मुश्किल नहीं होता है, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, प्रवक्ताओं का भी काम कम मुश्किल नहीं होता है। कल तक दोनों एक दूसरे का साथ लेकर और शाहनवाज जी की पार्टी पर हमला बोलते थे, आज एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं। शाहनवाज जी चलते चलते दो लाइन में जवाब, दो लाइन में, तुम्हारा साथ अगली बेवफाई तक, जी यही है ना कहानी? नहीं, ये साथ, ये जो साथ है, बेवफाई वर्ड डिलीट हो गया है, कहीं से बेवफाई नहीं होगी, ईमानदाराना गठबंधन है, हम मिलकर काम करेंगे, बिहार की 14 करोड़ जनता के हित में करें। आज तो मीठी बातों का दिन है।